ओके जी, अभी हमने जो है वो ड्राइव की है, दैट इज बेसिकली कि हम जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी हमने ड्राइव किया, सो दैट इज दिस वन। सो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे ये नेगेटिव भी आएगा, ओके, यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा। सो देन फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दिस इज ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, यही चीज हम जो है वो ड्राइव इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर ग्राफ के अंदर हमें इंडिकेट किया गया था कि आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है, दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, दैट इज अंडर दिस ग्राफ, दिस वन, ये जो हमारे पास ग्राफ था इसके पॉइंट। सो क्योंकि दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप, मीन हमें इनका ट्रेड ऑफ कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें कि अगर हम कैरिंग कॉस्ट को इक्वल कर दें ऑर्डरिंग कॉस्ट से, तो भी हम जो है वो इस क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने इस साइड पे निकाला। ठीक है, दैट इज बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो भी हमारे पास जो है वो वही आंसर आ जाएगा जो कि हमने ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। सो विच मीन कि अब हमें ये पता है कि मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता है, मुझे टोटल डिमांड का भी पता है, मुझे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी पता है। तो इसकी बेसिस के ऊपर यूजिंग दिस फार्मूला आई कैन कैलकुलेट कि मुझे कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए। सो अगर मैं इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो ये इतनी आएगी, जो कि मिनिमम होगी। ओके, सो अब हम इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं। वो कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये मिनिमम होगी? सो जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो बता सकते हैं। एक तो हमारे पास जो है, जो हमने चीजें कैलकुलेट करनी है, वो तो वही हमने ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और इसके अलावा जो है वो हमें बेसिकली ये भी करना है कि हमें हर साल के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल डिमांड लेके चल रहे हैं, तो दैट मीन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पर ईयर हमें टोटल कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, ठीक है, और कितनी देर के बाद ऑर्डर करने पड़ेंगे। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे वो भी हम देखते हैं। फिलहाल अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो वो हमें क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं कि हमारे पास जो एनुअल एस्टिमेटेड डिमांड है, दैट इज 10,000 यार्ड्स, ठीक है, ऑफ कार्पेट। सो हमें टोटल एनुअल डिमांड गिवन है। हमारे पास कैरिंग कॉस्ट जो पर यार्ड है, मीन पर यूनिट जो है वो हमें गिवन है, राइट, और हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, दैट इज 150। सो अभी हमने जो है वो, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज एज वेल एज द टोटल कॉस्ट। सो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज मीन ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सो वी कैन सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। सो 2 × ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, 150, एनुअल डिमांड क्या थी, कैरिंग कॉस्ट क्या थी। सो हमारे पास जो है वो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। सो दैट मीन हमने जब भी ऑर्डर करने हैं, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, हमने 2,000 यार्ड्स की क्वांटिटी को ऑर्डर करना है, ठीक है जी। ओके, अब 2,000 क्वांटिटी को अगर हमें ऑर्डर करना है, तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी आ रही होगी जब भी आप ऑर्डर कर रहे होंगे। सो यानी कि टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डरिंग एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट पर एनम, तो वो हम सिंपली इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके जो है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ता है, हमें एनुअल डिमांड पड़ता है, हमें कैरिंग कॉस्ट पड़ता है, और ये क्वांटिटी हमने अभी कैलकुलेट किया विच इज 2,000। सो वी कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो स्टोर है वो ये भी जानना चाहता है कि हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर करने पड़ेंगे पर एनम टू मीट द एनुअल डिमांड। ठीक है, कि हम एक साल के अंदर टोटल कितनी दफा ऑर्डर करेंगे, क्योंकि टोटल डिमांड हमारे पास कितना था जी, दैट इज 10,000। अगर हम इसको डिवाइड कर दें टू द ऑप्टिमम क्वांटिटी, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर पता चल जाएगा कि कितनी दफा हमें एक साल के अंदर जो है वो ऑर्डर करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं एनुअल डिमांड ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं पर ईयर, अगर आप क्वार्टरली ले रहे होगे तो देन फिर पर क्वार्टर, वट एवर जो भी आप अज्यूम करें, ठीक है। सो ऑर्डर्स पर क्वार्टर फिर आ जाएगा, या अगर आप मंथ के लिहाज ले रहे हो तो ऑर्डर्स पर मंथ आपके पास आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास
अब क्वेश्चन ये आ जाता है जी ऑर्डर साइकिल टाइम। ऑर्डर साइकिल टाइम क्या है कि मीन मुझे कितनी दिनों के बाद जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा, मीन मेरा री ऑर्डर पॉइंट क्या होगा। सो री ऑर्डर पॉइंट बेसिकली यहाँ पे हम दो परस्पेक्टिव से निकाल रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें ये पता चल गया है कि कितनी कितने नंबर ऑफ हमें टोटल ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, और दूसरा मैं यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आपके पास मीन ऑर्डर साइकिल टाइम क्या होगा। ऑर्डर साइकिल टाइम मीन कितने दिनों के बाद मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। सो उसने क्वेश्चन में हमें जो बताया हुआ है वो कह रहा है कि ये जो स्टोर है वो जो वर्किंग कर रहा है वो बेसिकली आउट ऑफ 365 डेज की बजाय वो पूरा साल ओपन ही रहता है, वो पूरे साल के अंदर 311 डेज ओपन रहता है। सो ये हमें सिनेरियो में गिवन। सो 371 डेज ये जो है वो अगर ओपन रहता है, सो डिवाइडेड बाय ऑर्डर पर साइकिल, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है, सो दैट इज 5। सो हमारे पास क्या आ गया जी, विच इज 5 ऑर्डर्स हम पर ईयर कर रहे हैं। सो 311 डिवाइडेड बाय 5 हम कर रहे हैं, सो विच मीन आफ्टर एवरी 363rd डे हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। सो दैट इज अ बेसिकली ऑर्डर साइकिल टाइम, मीन एवरी 63 डेज के बाद हमारे पास जो है वो हमें ऑर्डर करना पड़ रहा होगा टू मीट द डिमांड। इज इट क्लियर? सो हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ऑर्डर है वो सारे का सारा आपको एक ही गो में नहीं मिल रहा, बल्कि वो हमें ग्रेजुअली मिल रहा है, ठीक है। सो इस अजम्पशन को हम लेते हुए अब अगर हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि बजाय इसके कि वो जो हम कह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं इस पॉइंट पे मिला हूँ मुझे दोबारा सारे की सारी क्वांटिटी मिल गई है, तो दोबारा से मैं क्विकली यहाँ पे पहुंच गया, फिर मैं उसको कंज्यूम करना शुरू हो गया और फिर मुझे सारी की सारी क्वांटिटी मिल गई है। सो इस चीज को हम रिलैक्स कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो ऑर्डर मिल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है, ये ग्रेजुअली हमें जो है वो रिसीव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम। सो दैट मीन इस मॉडल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है विच इज बी एज वेल एज डी। सो पी जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली द डेली प्रोडक्शन रेट। ओके, डेली प्रोडक्शन रेट से क्या मुराद है, जनरली ये जो वाला मॉडल है वो वहां पे एप्लीकेबल होता है जब जब आपका जो प्रोड्यूसर है वही इन्वेंट्री को इस्तेमाल करे, मीन एज अ मैन्युफैक्चरर आप ही इन्वेंट्री को बना रहे हो और आप ही कंज्यूम कर रहे हो। ओके, सो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्शन रेट होना चाहिए That must be greater than होना चाहिए डिमांड रेट से। प्रोडक्शन रेट से क्या मतलब है कि मीन आप उस क्वांटिटी को ज्यादा बना पा रहे हो ओवर द टाइम कंपेयर टू द डिमांड, कि जो आपके पास डेली बेसिस के ऊपर डिमांड है। सो मीन यहाँ पे भी शॉर्टेजेस जो है वो अलाउ नहीं। सो बेसिकली इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली जो है वो अब हमने फार्मूला ड्राइव करना है कि हमने कितनी क्वांटिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास होनी चाहिए। ओके, सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो जीरो लेवल पे अगर हमारे पास इन्वेंट्री है तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा इन्वेंट्री लेवल हमें जो रखना चाहिए वो इसके बराबर रखना चाहिए, ना कि एग्जैक्टली क्यू के बराबर रखना चाहिए, ठीक है। अब क्यू जो है वो बेसिकली क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, दैट इज हाउ मच क्वांटिटी वी शुड ऑर्डर और वी शुड कीप इन आवर वेयर हाउसेस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी ओवर पी। डी जो है दैट इज अ डेली डिमांड रेट कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय पी कि कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन है हम साथ में ये भी अज्यूम करें जो आपकी प्रोडक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिमांड, ठीक है, ये इससे कम नहीं हो सकती। सो दैट मीन पी हमेशा आपका ग्रेटर ही रहेगा। अब जो हमारे पास जो फर्दर हमारे पास हमने कहा था कि आपके पास क्योंकि जो क्वांटिटी है वो एक ही गो में नहीं मिल रही बल्कि वो ग्रेजुअली हमें मिल रही है, और एट अ सेम टाइम जब हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है वो साथ ही साथ कंज्यूम भी होती चली जा रही है। सो दिस साइकिल इज गो ऑन। ओके, सो अब हमने इसके अकॉर्डिंगली जो है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और हमने अपना क्यू का जो है वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज गिवन है दैट इज दिस वन, कि हमें जो पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए प्रोडक्शन रेट का, हमें पता होना चाहिए डिमांड रेट का, मीन प्रोडक्शन रेट मीन हाउ मच क्वांटिटी वी आर प्रोड्यूसिंग
एंड डिमांड रेट मीन हाउ मच क्वांटिटी वी आर कंज्यूमिंग और यूजिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होगा वो भी हमने देखा, दैट इज क्यू इंटू वन माइनस डी ओवर पी। ठीक है, सो बेसिकली ये यहाँ पे उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हूँ। सो अगर हम क्यू कॉमन ले लें विच इज इक्वल टू दिस वन, सो ये ब्रैकेट यहाँ बाहर है, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, सो विच इज वन माइनस डी ओवर पी। सो दैट मीन हमें जो इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करनी चाहिए दैट इज इक्वल टू दिस वन। और जो हमारा ईओ क्यू का फार्मूला था वो क्या था, क्वान्टिटी का, दैट वॉज टू इंटू सी नॉट ओवर डी डिवाइडेड बाय सी सी था। अब उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ड्राइव किया कि अगर ये हम प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो साथ में हमारे पास जो फार्मूला के अंदर एडिशन हो जाएगी दैट इज दिस वन, और एवरेज इन्वेंट्री का सिंपल डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टोटल इन्वेंट्री है वो इतनी पड़ी होगी, इसको डिवाइडेड बाय टू करोगे दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री फार्मूला। और टोटल कॉस्ट जो है वो सिंपली दैट इज सिंपली वी आर एडिंग द ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज द कैरिंग कॉस्ट। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी जो कि हमारे पास सिंपल ईओ क्यू के अंदर है, बट कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाएगी क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि किस स्पीड के साथ हम उस क्वांटिटी को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सेंस के अंदर इंडिकेट हो रहा है। ओके ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा है कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का, ऑप्टिमम का और टोटल कॉस्ट का। सो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, सो जिसके अंदर हमें जो स्नैरियो है उसमें हमें जो है वो कैरिंग कॉस्ट उसने बताई हुई है, ठीक है, सो टोटल डिमांड उसने हमें बताई हुई है, राइट, और साथ ही साथ उसने हमें प्रोडक्शन रेट बताया हुआ कि पर डे वो कितनी जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर, सो अब हमारे पास क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें, सॉरी कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है विच इज 0.75 डॉलर पर यार्ड, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है विच इज 150, ठीक है, डिमांड एनुअल जो डिमांड थी दैट वाज 10,000, ओके, प्रोडक्शन रेट जो हमें गिवन है विच इज 150 यार्ड्स पर डे, हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन रेट है। Okay, और अगर मुझे जो है वो डेली डिमांड निकालना है, बिकॉज हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है वो पर डे है, तो हमें डिमांड भी पर डे निकालनी पड़ेगी। ओके, और जो अजम्पशन मीन है वो है कि हमारी जो प्रोडक्शन रेट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए डिमांड से। सो एनुअल डिमांड हमें पता है और हमें ये भी पता है कि हम पूरे साल के अंदर कितने दिन काम कर रहे हैं, सो दिस स्टोर इज वर्किंग 311 डेज, so which mean 10,000 divided by 311 days, so demand है जी 32.2 yards per day। so using this information I am interested in order to find out कि how much quantity I should keep or you can say order, so that is we can use this formula to compute out कि हमारा optimum order size क्या होना चाहिए। next ये कि मुझे total inventory cost calculate करनी है, so I can calculate the total inventory cost, ठीक है जी, so that is this one कि मेरे पास जो total cost है वो कितनी आ जाएगी। okay, next जो हमारे पास है that is basically कि मेरा जो production run क्या होगा, mean कितने days के बाद जो है वो आपके पास जो है वो order आपको देना पड़ रहा होगा, that would be equal to Q over P, ठीक है, क्योंकि P जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हम कितनी स्पीड से क्वांटिटी को बना रहे हैं, जबकि ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी हमें अपने पास जो है वो रखनी चाहिए। ओके, मीन हमारा इन्वेंट्री लेवल क्या होगा, सो दैट मीन आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज के बाद हमें ऑर्डर देना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्शन रन या जिसको हम ऑर्डर साइकिल टाइम कह रहे थे प्रीवियसली, ठीक है। Okay, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या कितने नंबर ऑफ हमारा ऑर्डर साइकिल टाइम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर साइकिल टाइम वो हम निकाल सकते हैं टोटल डिमांड, जो कि प्रीवियसली भी यही फार्मूला था, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी करके, ठीक है, सो दैट मीन ये साइकिल हमारे पास चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, 4.43 रन्स पर ईयर, मीन एवरी 5 टाइम के बाद जो है वो हमारी इन्वेंट्री जो है वो टोटल साइकिल चलेगा पर ईयर के लिहाज से।
और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल वी कैन कैलकुलेट दिस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट इज क्यू इंटू वन माइनस डीपी करके. ओके, आई होप के